हेलो सैमी, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सारी स्टेशनरी लाने के लिए शुक्रिया। मेरे हिसाब से ये सब काफी है। तुम्हें सच में ये चाहिए? मुझे नहीं पता ना कि मेरी इंस्पिरेशन मुझे कहाँ तक ले जाए। मास्टरपीस बनाना बहुत गंभीर है। पुराने समय में महान कलाकार इस वैरायटी के बिना कैसे काम करते होंगे? सोचो कि अगर उनके पास ये सब होता तो कितने खुश होते। सही कहा, और उन्हें सब उठाने के लिए बहुत सारे हेल्पर्स की जरूरत होती। मानती हो ना? वाह सैमी, मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई। हाँ सियू, चलो शुरू करें। मैं इसे बुलाने के लिए 3 बार बाहर गई ही क्यों? खैर, इंस्पिरेशन। अब चलो भी सियू। हाँ दोस्तों, आज हम आर्ट के सामान के लिए एक बढ़िया ऑर्गेनाइजर बैग बनाएंगे। और इसमें हमारी सारी पेंसिल्स और ब्रशेस और मार्कर्स आ जाएंगे। शांत हो जाओ मेरे शेर। चलो पहले कार्डबोर्ड का कुछ किया जाए। हमने पहले से ही सब सोचा हुआ है कि इसके लिए एक ऊपरी ढक्कन की जरूरत होगी। हम इसे मास्किंग टेप से जोड़ेंगे, है ना? हाँ समी, शुक्रिया। हमें इन दोनों कार्डबोर्ड के टुकड़ों को टेप से जोड़ना होगा। सिव, मेरे ख्याल से उसके लिए तुम्हें कैंची चाहिए होगी, है ना? ये लो सुजी। कैंची संभाल कर इस्तेमाल करना दोस्तों। अब इस पीस को अच्छा दिखाने के लिए हम कलर्ड पेपर का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुमने हमारे क्राफ्ट के लिए चुन लिया है सैमी? नहीं, मुझे अपनी मनपसंद रंगों के बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो बॉडी के रंग से शुरू करते हैं। और मुझे समझ आ गया है कि हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। इस ब्राइट लाइम ग्रीन के बारे में क्या कहना है सैमी? बस यू, ये कमाल है। तो चलो ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करें दोस्तों। इसे आराम से लगाएं इस तरह। ये देखिए, सबसे पहले हम कोर पार्ट को चिपकाएंगे इस तरह। हो गया। और ये लगी और ग्लू। छोटा वाला हिस्सा भी तैयार है दोस्तों। देखिए इसे, ये ग्रीन पेपर कितना अच्छा लग रहा है। आज हम यही चीज काफी बार करेंगे, कहीं मत जाइएगा। देखो मैंने क्या बनाया। हाँ, ये क्या है? ये हमारी ऑर्गेनाइजर के साइड का हिस्सा नहीं लगता क्या? सामी, लगता है तुमने गलत नाप ले लिया है। ये पीस थोड़ा बड़ा है। ओ नहीं, मुझे लगा था कि मैं क्राफ्ट मास्टर हूँ और मुझे रूलर की जरूरत ही होगी। अब हम क्या करेंगे? उदास मत हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बैकअप के लिए तुम्हारे पास मैं हूँ तो। क्या तुमने कुछ सोचा? ये देखना, वो क्या कहना है। ये डिजाइन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम्हारे बनाए हुए पीसेस को हम अपने ड्रॉयर्स के शेल्स में बदल सकते हैं। ग्लू गन का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना दोस्तों। सिर्फ तुम्हारे जैसी होशियार लाइफ स्टीवर मैंने आज तक नहीं देखी। और दोस्तों, आपको मेरी गलतियों से सीखना चाहिए और हमेशा कुछ बनाते वक्त अच्छे से नाप लें। दोस्तों, हमारे बनाए हुए ये शेल्स देखे। चलो अब अपने ऑर्गेनाइजर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े और हम कार्डबोर्ड के एक और बड़े पीस का इस्तेमाल करेंगे। लगता है मुझे डेजा वो हो रहा है। सामी, तुम्हें पक्का इस वर्ड का मतलब पता है? तुमने इसे कैसे बोला? डेजा वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है एक ऐसा एहसास जो चल रहा है, हमने पहले भी देखा हुआ है। जैसे कि मैंने आज ही तुम्हें यही चीज ऐसे कार्डबोर्ड के साथ करते हुए देखा है। लगता है कोई फ्रेंच में बहुत माहिर है। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें जेमी वो फ्रेज का मतलब पता है? बहुत आसान है, ये डेजा वो से बिल्कुल उल्टा एहसास है। आपको ऐसे लगता है कि आप उस चीज से कभी नहीं गुजरे जबकि वैसा हुआ होता है। ये काफी इम्प्रेसिव है। चलिए दोस्तों, लाइक करके हमारी नन्ही स्मार्टी पांच को सपोर्ट करें। इस सब के बीच मैंने अपने ऑर्गेनाइजर के दूसरे हिस्से की साइड वॉल बना ली। देखो ये कितनी साफ और अच्छी बनी है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। सुजी, अब तो सब डेकोरेट हो गया है और तुम इस पीस को कैसे जोड़ोगी? सब ठीक है सामी, मैंने कोई गलती नहीं की। हम सब मास्किंग टेप से कर रहे हैं ना, याद है? हम इस तरह अपने ऑर्गेनाइजर के दोनों हिस्से जोड़ेंगे। देखा, अब ये कंपार्टमेंट खुल सकेगा और बंद हो सकेगा। अच्छा है ना? फोल्ड और अनफोल्ड, ये कमाल है। पर हमें अभी भी इस स्टेज के लिए कुछ और चीजें बनानी होंगी। प्रोसेस को तेज करने के लिए चलो थोड़े जादू का इस्तेमाल करें। वाह, ये काम कर गया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और ये क्राफ्ट कैसा दिखेगा तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा तो दोस्तों, हम अपने क्राफ्ट के आखिरी स्टेज पर हैं। चलिए अपने ऑर्गेनाइजर का एक ड्रॉअर बनाएं जिसमें सामी अपनी आर्ट स्टेशनरी रखेगा। क्या इसका मतलब है कि हम अपने ऑर्गेनाइजर की ऊपर की जगह के लिए ड्रॉअर्स बनाने वाले?
हाँ, मैंने पहले से सारे पार्ट की आउटलाइन बना ली है और अब मैंने काटूंगी। दोस्तों कटर से संभल कर। सूजी, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी ब्रश बनाने में मदद करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट तैयार है और वाह, मेरे जादू ने कर दिखाया। वो ये ड्रॉअर कितना ब्राइट और रंग बिरंगा है। हमने बॉडी वाले टेक्सचर का ही इस्तेमाल किया है और ये वाला पीला है। हे सिव, मैं भी खाली नहीं बैठा था, देखो। बहुत अच्छे, ये बड़ा ड्रॉअर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें बस अपने ड्रॉअर्स को उनके सही जगह पर लगाना होगा। ये वाला सबसे ऊपर के शेल्फ में फिट होगा, परफेक्ट। और ये बड़ा वाला यहाँ, बहुत बढ़िया। हमारे पास दो और ड्रॉअर्स हैं। ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे, परफेक्ट फिट। वाह सियू, हमारा ड्रॉअर बहुत अच्छा बना है, मुझे करीब से देखना है। हाली कुंडाली, सब परफेक्ट है। इसे स्टेशनरी से भरने का मुझे इंतजार नहीं हो रहा। सैमी, मुझे ये लग रहा है ये सच में कुछ कमी है। सियू, मुझे लगता है सब सही जगह पर है। पर अभी भी ये जगह खाली है, हमें यहाँ क्या रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ इतनी जगह खाली है तो हम पेपर से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं। अच्छा आइडिया है सामी, वैसे मैंने पहले से कुछ बनाया हुआ है। ये देखो, इस कूल येलो हिस्से में बिना किसी परेशानी के सारे पेपर रख सकते हैं। पक्का इसमें सब आ जाएगा, मेरे पास बहुत सारा सामान है। ओह, अब मुझे समझ आया, इसमें सब रखने के लिए काफी जगह है। सामी देखो, हमारे क्राफ्ट पर येलो कितना अच्छा लग रहा है। सही कहा शिव, सब बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे सब बहुत अच्छा लगा, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, शायद कॉक बोर्ड। इस तरह तुम इन पर अपनी नोट्स लगा पाओगे। वाह शिव, ये सोचने के लिए शुक्रिया। इसको सरफेस छूने से बहुत अच्छा लगता है। लगभग सब हो गया। दोस्तों अगर आप पूरा क्राफ्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सामी तुम्हें क्या लगता है, हमें इस ब्लू फोम पेपर की क्या जरूरत है? हमने पेंसिल और मार्कर्स के लिए कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। समझ गया, हम हैंडल के बारे में तो भूल ही गए। हाँ सामी, बिल्कुल सही कहा, पर चलो पहले सही लेंथ के लिए थोड़ी मेजरमेंट्स ले लें। दोस्तों इस स्टेज पर सब सही से करना बहुत जरूरी है। स्ट्रिप्स तैयार है और अब मैं इन्हें काटने वाली हूँ। वाह शिव, पर हमें चार क्यों चाहिए, एक ही काफी होना चाहिए। ऐसा करने से हैंडल लंबे समय तक चलेगा, इस तरह। आशियो, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, क्या मैं पिकासो जैसा एक महान कलाकार बन सकता हूँ? बिल्कुल सामी, कोई भी स्लाइम महान कलाकार बना सकता है अगर वो उन सारे मशहूर पेंटर्स की तरह मेहनत करे तो। पर चलो अब अपने क्राफ्ट पर वापस आए, अब हम इन फोम पीसेस को एक साथ चिपकाएंगे। चलो इसके लिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करें। अब आया सर चिपकाने का काम। सियू जल्दी करो, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। लगभग हो गया सामी, अब हम इन्हें क्राफ्ट से चिपका देंगे। सुजी, मुझे लग रहा है यही सच में हमारे ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत बड़े। नहीं सामी, साइज बिल्कुल सही है, मैंने पिंक डेकोर भी लगाया है, अच्छा लग रहा है ना? हम यहाँ फिर से ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे, इसे ध्यान से करें। चलिए हैंडल की हर साइड पर एक बड़ा ड्रॉप डालें, इस तरह। आगे रहा एक और। सियू, मुझे ये चीज मिली है और मैं इसे भी चिपकाऊंगा, पर पहले मैं इसके रंग पर थोड़ा काम करूंगा। दोस्तों हमारे हैंडल को देखिए, इसे पक्का करने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स भी लगाए हैं। और सैमी के बनाए इस वेलक्रो को देखिए, इससे कंपार्टमेंट को खोला और बंद किया जा सकता है। सियू, हम अपने ऑर्गेनाइजर को स्टेशनरी से कब भरेंगे, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। तुम बहुत बेसब्री स्लाइम हो। चलो अब इन ड्रॉअर्स को भरें। कैंसिल और रंग बिरंगे पेंस यहाँ जाएंगे और ये मार्कर्स के लिए है। और इस ड्रॉअर में जाएंगे ढेर सारी ब्राइट पेंसिल्स और यहाँ हम पेंटिंग के लिए कई सारी पेंस और ब्रशेस रखेंगे। सबसे बड़ा कंपार्टमेंट शाम के मनपसंद कलर्ड पेपर के लिए है। हाँ। चलो सारे ड्रॉअर्स को उनकी जगह पर रख दें। सही कहा, चलो नहीं यहाँ लगाए। ये देखो, और हमारे प्यारे स्लाइम को ना भूलें। दोस्तों अब ये पूरा तैयार है, एंजॉय।
अगर आपको हमारा क्राफ्ट और ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।